तो गाइस पटना में आज ऑटो हड़ताल हो चुका है। ऑटो हड़ताल की वजह से फ्रेजर रोड का पूरा जो डाक बंगला चौराहा तक एरिया है, स्टेशन से अगर हम लोग डाक बंगला चौराहे जाते हैं तो पूरी तरह से जो है वो जाम लग चुका है। और पुलिस जो है वो अपना जो गाड़ी है वो आगे लगा चुके हैं कि जिसके वजह से जो भी लोग हैं, जो भी पैसेंजर हैं, बसेज हैं, ऑटो हैं, वो आगे नहीं जा पाए, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस आगे डाक बंगला चौराहे पर देखा जा रहा है। लोग काफ़ी भीड़ और काफ़ी रश हो चुका है वहाँ पर, तो कोई ऐसा कुछ कांड ना हो जाए इसलिए पुलिस ने पहले ही अपना जो गाड़ी है वो आगे लगा चुके हैं बसों के, कि वो बस जो है आगे की तरफ ना जा पाए, डाक बंगला चौराहे की तरफ ना जा पाए। और देख किस तरह से भीड़ और जाम लगा हुआ है, लोग जो है पैदल, जी हाँ दोस्तों, लोग जो है पैदल स्टेशन से बैग लेकर अपने माथे पे ढोकर अपने कंधों पे बिना ऑटो का पैदल चल रहे हैं, जिनको गांधी मैदान या खासकर जहाँ जाना हो ऑफिस, समझिए क्या डिस्टर्बेंस है पटना में कि ऑटो वाले जो है हड़ताल किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सिचुएशन जो है वो बदतर होते जा रहा है फ्रेजर रोड का। देख सकते हैं कि जो बस है वो बस कैसे, पब्लिक बस को कैसे वो वापस मोड़ कर स्टेशन की तरफ घुमाया जा रहा है कि आगे तो जगह है नहीं जाने के लिए, जिसकी वजह से जो गाड़ियां फंसी हुई है, जो फैमिली गाड़ी होती है, खासकर जो बंसी बिहार में लोग आए हुए खाने के लिए, उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। और किसी तरह जगह निकाल निकाल कर वो लोग जो है साइड से स्टेशन की तरफ मोड़ रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा गाइस कि पूरी तरह से जाम लगने वाला है, पूरी तरह से पैक हो जाएगा रास्ता है, क्योंकि उधर से तो गाड़ियां आ ही रही हैं और इधर से भी गाड़ी वापस जब जा रही हैं तो पूरी तरह से पैक हो जाएगा। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि 4 बजे तक ये जो हड़ताल है वो हटने का नाम लेगा, उसके बाद ही जो सिचुएशन है वो सुधर जाएगा। अगर ये छोटा सा आपको वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।